तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैम्पलिन पार्क दिखाने वाला हूँ, जो कि है बाउंस। और यहाँ पे आप कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनका मजा ले सकते हैं। बहुत ही बड़ी एरिया है, बहुत ही बड़ी एरिया है। मैं यहाँ की सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ की टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले तो इस ट्रैम्पलिन पार्क की लोकेशन की बात की जाए तो ये होगा 4th फ्लोर इन्फिनिटी मॉल मलाड में। और यहाँ आने का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा मलाड का, और सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा मलाड वेस्ट का। तो ये अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं। इस तरफ फूड कोर्ट है और इस तरफ फन सिटी का एरिया, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर भी जहाँ पे आप झूल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट ट्रैम्पलिन पार्क आपको 4th फ्लोर पर देखने को मिलेगा। लिखा है जंप कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैम्पलिन पार्क है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ के प्राइस वगैरह आपको बताते हैं हम। तो हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे इन्फिनिटी मॉल मलाड के, और अब आपको ये सारा पार्क हम दिखाने वाले हैं। तो ये जो 4th फ्लोर है ना इन्फिनिटी मॉल मलाड का, यहाँ पे बस यही बाउंस ट्रैम्पलिन पार्क है। यहाँ से एंट्री, हम एंट्री करके पहले आपको टिकट काउंटर के सारे रेट्स वगैरह बताएंगे, टाइमिंग्स वगैरह बताएंगे, उसके बाद आपको सारा ये ट्रैम्पलिन पार्क दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो हम इस ट्रैम्पलिन पार्क के टिकट काउंटर के पास आ गए हैं, और यहाँ के पहले आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ। यहाँ की टाइमिंग्स होंगी दोपहर 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वीकडेज पे, और वीकेंड्स पे होगी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है, बच्चों के लिए सेपरेट एरिया है, और एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रैम्पलिन पार्क का एरिया है। तो इधर आप ये टाइप की एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। एक वॉल है, हाई परफॉर्मेंस जोन है, सुपर ट्रैम्पलिन है, बिग बैग ट्रैम्पलिन जो बैग के ऊपर आप जंप कर सकते हैं, स्लैम डंक है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल नेट भी है, डॉज बॉल खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिनी बाउंस करके जगह है जिसमें छोटे बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क भी जिसका नाम है एक्स पार्क। तो ये सारी यहाँ की एक्टिविटीज़ थी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्स पार्क जो एडवेंचर पार्क है उसके अंदर पार्कोर, सी ऑफ पाइप्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है जो आपको करनी होगी, जिप लाइन भी ऊपर है, रोलर्स भी है, स्पाइडर वॉल भी है, वॉल ट्रेन भी है, और मिनी बाउंस के अंदर आप ये सब एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। ये सारा का सारा आप एरिया देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ के टिकट प्राइस बता देता हूँ। तो इधर ये पीछे देख सकते हैं टिकट रेट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जूनियर जंपर्स हैं 2 से लेकर 4 साल के बच्चे, उनकी 1 घंटे का पास 700 रुपये का है, और 2 घंटे का पास 900 रुपये का है, और बच्चे जिनकी 5 से लेकर 15 साल की एज है उनका 800 रुपये का पास है 1 घंटे का, और 2 घंटे का 1000 रुपये का पास है। इसके अलावा जो 16 साल से ऊपर के हैं उनकी 900 रुपये का पास है 1 घंटे का, और 2 घंटे का 1200 रुपये का पास है। ये सब यहाँ के टिकट प्राइस थे। एक चीज़ और बतानी थी आपको कि सीनियर सिटीज़न का टिकट यहाँ फ्री है, और 2 साल से कम उम्र के बच्चे अंदर नहीं जा सकते। इधर एक ये भी चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको बड़ी ट्रेनर चाहिए, मतलब एक ग्रुप को हैंडल करने के लिए या फिर एक बंदे को हैंडल करने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं 1000 रुपीज़ के। बाकी सारे चार्जेस जो भी हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं। विजिटर पास 1 घंटे का 100 रुपये और 2 घंटे का 200 रुपये। तो ये जो भी ट्रैम्पलिन पार्क है ना, इसके अंदर जाने से पहले आपको एक ग्रिप सॉक्स लेनी पड़ेगी। भैया ग्रिप सॉक्स दिखाएंगे कैसी है यार ग्रिप सॉक्स? तो इस तरीके की ग्रिप सॉक्स होगी, कंपलसरी है ना लेनी, तो ये कंपलसरी लेनी है। और इसके चार्जेस की बात किया तो एक पेयर होंगी इसके 100 रुपीज़ के, तो ये 100 रुपये का पेयर आपको लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रैम्पलिन पार्क के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जगह बहुत अच्छी लगती है और अगर आप यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके पैकेजेस भी यहाँ पे लिखे हैं, वीकली पास, मंथली पास, क्वार्टरली पास और ईयरली पास। आप स्क्रीन रोक के सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको सारे टिकट प्राइस यहाँ के बता दिए हैं। और ये जो ट्रैम्पलिन पार्क है बाउंस का, ये 16 कंट्रियों में है, दुनिया भर के 16 कंट्रियों में है, और ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो टिकट आपको लेनी पड़ेगी फिर ही आप आगे जा सकते हैं। तो इस तरीके का आपको बैंड लेना पड़ेगा, मतलब एक घंटे वाला और 1-2 घंटे वाला, तो टाइम ड्यूरेशन ये होती है और टाइम चलता रहता है, उसी टाइम के अंदर आप इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी चीज़ें यहाँ रखनी है तो लॉकर में रख भी सकते हैं, इसके चार्जेस होंगे 100 रुपये पर लॉकर के। इसके अलावा यहाँ पे एक्स पार्क जो है एडवेंचर पार्क, एडवेंचर चैलेंज कोर्स, ये ऊपर जाके आपको दिखेगा, और जो बाकी एरिया है वो यहाँ आपको दिखेगी।
तो इस वाले बाउंस ट्रैम्पलिन पार्क में देखिए यहाँ लिखा हुआ है इजी भाषा में, स्लैम डंक है, डॉजबॉल है, क्लिफ जंप है, सुपर ट्रैम्पलिन है, जूनियर जंपर्स का अलग एरिया, एक्स पार्क है, फ्री जंपरीना है, फ्यूल कैफे है, द वॉल है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे और यहाँ पे आप फोटो भी क्लिक करा सकते हैं आप अपनी। ये सब चीज़ें भी हैं जो खा सकते हैं आप अंदर, और फ्यूल कैफे है बीचों बीच, देख सकते हैं कॉम्बो है कहीं, इनके प्राइस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, और मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे कुछ वीडियो ले रहा था, लेकिन कुछ मैडम को दिक्कत थी वीडियो लेने से, तो फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं। और अब क्या है कि मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बच्चे कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या चक्कर है ना कि मैं अब इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने को दिखाना था, लेकिन इन्होंने मेरे को अलाउ करा नहीं। तो देख सकते हैं ये सारा का सारा यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे बाउंस ट्रैम्पलिन पार्क, और बस इन्होंने मेरे को अलाउ किया नहीं तो कि वीडियो नहीं शूट करनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेशन वगैरह इनका चल रहा था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा इनका। ये देखिए कई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये तो बड़े बड़े से बने हुए हैं ना प्लेटफॉर्म से, इधर से कूद के ये बड़े से बैग के ऊपर आना होता। इसके अलावा ये खाने पीने का एरिया था, और पीछे पार्टी करने का एरिया सबसे बड़ा, और बच्चों का उस तरफ मिनी बाउंस एरिया, और इस तरफ एक बहुत बड़ा ट्रैम्पलिन पार्क का एरिया, और इस तरफ ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे एडवांस ट्रैम्पलिन है, और सबसे पीछे ऊपर वहाँ पे एक्स पार्क है जहाँ पे आप एडवेंचर जोन वगैरह खेल सकते हो। तो मैं आपको बाउंस ट्रैम्पलिन पार्क तो दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ फन सिटी। तो इस वाले फन सिटी के अंदर क्या है कि ये इंडिया का बेस्ट फन सिटी है, और यहाँ पे एक रोलर कोस्टर भी है, और बहुत बड़ी बड़ी राइड्स हैं। तो इनका जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ क्या प्राइस है। तो यहाँ फन सिटी में गेम खेलने से पहले आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा, मिनिमम आप 1500 रुपये का कार्ड ले सकते हैं, और आप 18 गेम खेल सकते हैं। लेकिन ये जो रोलर कोस्टर है उसके 2 प्लेज हैं, इसके अलावा 35 प्लेज आप 2500 रुपये में कर सकते हैं पर पर्सन का बता रहा हूँ, पर कार्ड का, और 5000 रुपये में आप 85 प्लेज कर सकते हैं, और 41% सेव कर सकते हैं। ये जो कार्ड है, इस तरीके का कार्ड आपको लेना पड़ेगा, और ये 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, तब तक आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, फिर भर के जो भी गेम्स वगैरह हैं यहाँ पे खेल सकते हैं। मैंने पूरा इंडिया घूम लिया, लेकिन ये वाला फन सिटी मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो इधर सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा रोलर कोस्टर है, देखिए वो आगे तक जाता है और फिर इधर से टर्न करके यहाँ तक आता है, तो ये बेस्ट राइड है यहाँ की। पहली बार मैंने किसी रोलर कोस्टर को देखा है मॉल के अंदर, और वो देखिए वो रोलर कोस्टर आ रहा है यहाँ सामने, अभी बड़ी तेज़ी से आवाज़ आएगी देखना लोगों की, वो देखिए वो रहा रोलर कोस्टर सामने, और ये बहुत ही तेज़ स्पीड में नीचे आएगा, ये आ गया नीचे। अभी इधर से आएगा गजब, और एक ही राउंड आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बड़ी वाली राइड है, और ये गोल गोल घूमती है ऊपर नीचे करके झटके देते हुए, इस वाली राइड को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की कई राइड्स हैं और छोटी मोटी गेम्स हैं जो खेल सकते हैं। तो ये ही यहाँ की बड़ी बड़ी राइड नहीं है, और ये जो रोलर कोस्टर है बहुत पीछे तक जाता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसी और बड़ी बड़ी राइड्स यहाँ पे हैं इसके अलावा, वो भी दिखाएंगे आपको। एयर हॉकी की गेम भी है यहाँ, ये मैरी गो राउंड राइड भी है जो ले सकते हैं घोड़े वाली, और ये इस टाइप का एयर हॉकी भी खेल सकते हैं। बाकी जो रोलर कोस्टर है वहाँ सामने से आप बैठ के राइड ले सकते हैं, इसकी ऊपर तक जाएगा, फिर उधर से पूरा टर्न होते हुए फिर इधर को आएगा, फिर गोल घूमते हुए वापस एक और लूप लेते हुए। तो ये देखिए कैसे जा रहा है ऊपर रोलर कोस्टर यहाँ से, इधर से ये रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाएगा पहले तो, फिर गोल घूम के आएगा बड़ी तेज स्पीड में। ये देखिए ये रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा है, और अब इधर से आएगा ये नीचे, ये देखिए इधर से नीचे आएगा, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा, इधर जाके रुक जाएगा, फिर बड़ी तेज स्पीड में इधर से आके रोल कर, ओ भाई साहब
कि इधर आ गया रोलर कोस्टर। इसके बाद ये ड्रॉप टावर वाली राइड है, इसमें आपको लॉक कर देगा, काफ़ी ऊपर तक जाएगा और फिर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और यहाँ पे ब्रेक मार देगा। तो ये बहुत अच्छी राइड है ये वाली भी, और चालू ही होने वाली है वाली राइड। देखिए इस तरफ भी बैठ सकते हैं आप, उसके ये गया ऊपर, बड़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। अब देखना ये देखिए रोलर कोस्टर चालू हो गया, पर जाएगा कैसे। ये आ गया नीचे, फिर ऐसी गेम जहाँ जो खेल सकते हैं, कोई क्लाउन वाली गेम है, कोई रिंग वाली गेम है, कोई आर्केड गेम है, कोई कार रेसिंग गेम है। और बाकी यहाँ पे एक प्ले जोन भी है, उसके अलग चार्जेस होंगे। तो कार्ड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इस तरफ एक बहुत बड़ा प्ले एरिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्ले एरिया है, इसके 350 रुपये के अलग चार्जेस होंगे, कार्ड वगैरह की मतलब ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। 350 रुपये इसका टिकट होगा, और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स वगैरह हैं बच्चों के लिए स्पेशली इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ से रोलर कोस्टर गुजरता है बहुत तेज़ स्पीड में, फिर आगे से उधर से लूप होगा, पूरा ही पलट जाती है ये। और बहुत मज़ेदार राइड्स हैं यहाँ पे, कार रेसिंग बाइक रेसिंग खेल सकते हैं, उसके अलावा बास्केटबॉल की गेम है यहाँ पे, और बम्पर कार्स भी हैं यहाँ पे। क्या बात है, बम्पर कार्स भी हैं। ये बच्चों के लिए देखिए एक एरिया बनाया हुआ है एफिल टावर से, जैसे पेरिस के अंदर से गाड़ी लेकर जा रहे हो। इसमें क्या होगा ना, ऐसे ऐसे गोल गोल करके गाड़ी घूमेगी, कई गाड़ियाँ हैं जो उनसी वाली बच्चों को पसंद है, उसमें बच्चे बैठ सकते हैं। एक तरह से ट्रेन सी बनाई हुई है ये। इसके अलावा ये हैमर वाली गेम है, हैमर वाली गेम पे हैमर मार सकते हैं, और ये पंच वाली गेम है, ऐसे करके अपना स्कोर वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये बच्चों का राइड है सारा। ये देखिए बम्पर कार्स खेल रहे हैं कैसे, बहुत ही बड़ा बम्पर कार्स कह रही है, इस तरह पीछे तक जाता है। देखिए कितने तेज झटके लग रहे हैं इसमें।